नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इन टू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मीन्स बी डी 8 है और सी डी हमारा कितना है 6 है। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, इन साइड्स को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। इन सर्कल सी ओ आर, सर्कम स्क्राइब्ड बाय ट्रायंगल ए बी सी, ओ डी जो रेडियस दिया हुआ है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी डी हमारा है 8 सेंटीमीटर एंड सी डी हमारा है 6 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमें गिवन है, हमने अगर ये 6 है तो ये भी हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं दिस इज़ ई एंड दिस इज़ एफ एंड ज्वाइन भी कर लेते हैं हम इनको, इसको ज्वाइन कर लिया, सबको ज्वाइन कर लेते हैं हम, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया हमने, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई एंड ओ एफ, इनको सबको ज्वाइन कर लिया हमने। देखिए सी डी इज इक्वल टू सी ई, सी डी इज इक्वल टू सी ई, दोनों हमारे पास कितने होंगे 6 सेंटीमीटर। क्यों होंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। सिमिलरली ये 6 हो गया 6 सेंटीमीटर, ऐसे बी डी एंड बी एफ ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी डी इज इक्वल टू बी एफ दैट इज 8 सेंटीमीटर, इसका रीजन बिल्कुल सेम यही हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि ए ई हम एक्स मान लेते हैं, तो ए ई और ए एफ दोनों ही क्या हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे। लेट ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एक्स, रीजन यही है हमने एक्स माना, लेकिन दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास ये टेंजेंट्स है फ्रॉम द पॉइंट ए। अब हम इन ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं। देखिए इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना हो, इन ट्रायंगल ओ बी सी में, ओ बी सी में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी क्या बनेगा? 1/2 बेस बी सी इंटू हाइट, हाइट मीन्स ओ डी, 1/2 बेस बी सी, बी सी कितना होगा 6 + 8 कितना बन गया 14 हो गया अभी, एंड ओ डी हमारा कितना है 4। यहाँ पे मैं लिख भी दूँ बी सी हमारे पास 6 + 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर हो गया, और अगर मैं ए सी लेता हूँ ए सी हो जाएगा हमारा 6 + x एंड ए बी जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो 8 + x सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब ये एरिया जो हम निकाल रहे थे ये कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारा। ऐसे हम ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी दैट इज हाफ इंटू बेस, बेस हमारा ए बी इंटू हाइट, हाइट हमारे पास ओ एफ, ओ एफ तो हमारा रेडियस है 4 ही रहेगा, ए बी हमारा कितना हो गया ए बी 8 + x है, दैट इज 1/2 इंटू 8 + x इंटू 4। कैंसिल करूँ मैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वेयर। ऐसे ही ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी 1/2 बेस हमारा इसमें ए सी हो गया,
हाइट हमारे पास OE हो गई, दैट इज 1/2, 6+x, AC 6+x है, OE हमारे पास कितनी है 4, कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 12+2x cm². ये ट्रायंगल OBC, OAB एंड OAC मिलके पूरी ट्रायंगल का एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दीजिए, एरिया ट्रायंगल OBC प्लस OAB प्लस ट्रायंगल OAC, सबका ऐड करेंगे 28 प्लस 16+2x, 16+2x प्लस 12+2x, ये हमारे पास टोटल इस ट्रायंगल ABC का एरिया हो गया। ठीक है, ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 4x प्लस 12+16, 28, 28+28 दैट इज 56। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हम पहले S निकालेंगे, S मतलब AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। सबको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, BC हमारा कितना है 14, AB कितना है 8 प्लस X, BC कितना है 14 है, और ये हमारा 6 प्लस X डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 हो गया। 8 प्लस 6 14 28 प्लस 2X डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, दिस इज 14 प्लस X, S आ गया हमारे पास। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फार्मूला क्या होता था, S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C द रूट, यही होता है। S हमारे पास हो गया 14 प्लस X, देन 14 प्लस X माइनस A साइड माइनस कर दीजिए, माइनस का 14, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 14 प्लस X माइनस X माइनस 8 और 14 प्लस X माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे, X माइनस 6, यहाँ से वैल्यू 14 प्लस X इंटू, ये 14 से 14 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा ओनली X, यहाँ पे X कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से 14 माइनस 6 कितना हो गया 8 हो गया। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 48x इंटू 14 प्लस X, इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान ली 2 मान ली। अब ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम 1 एंड 2, 4 कॉमन ले लें हम इसमें, X प्लस 56 में से जब आप 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 14 बच जाएगा भाई, 4 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू रूट ऑफ 48x इंटू 14 प्लस X हो गया। क्लियर है, यहाँ पे रूट है, स्क्वेयर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका हो गया 4 का स्क्वेयर हो गया 16, x प्लस 14 का स्क्वेयर, इसका रूट हट जाएगा 48x इंटू 14 प्लस X, यहाँ से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 14 प्लस X, X प्लस 14, बात तो वही हो गई, 16 से कैंसिल करेंगे, 16 3 जा 48, मीन्स X प्लस 14 की वैल्यू होगी 3X, और ऐसा हो गया तो यहाँ से हमारे पास 2X, 2X इज इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया, 2X इज इक्वल टू 14, यहाँ से X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, X अगर 7 हो गया तो AC हमारे पास क्या था 6 प्लस X, 6 प्लस 7 दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर,
और हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी था हमारे पास 8 + x, 8 + 7 दैट इज 15 सेंटीमीटर। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर लेंथी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल, इसके चारों तरफ है। वी हैव टू प्रूव दिस इज ए बी सी एंड डी, ये सेंटर है। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी, ऐसे ही एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर सप्लीमेंट्री, इनका एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। सॉल्यूशन देखिए, हमें गिवन है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल सी ओ आर, इसको सर्कमस्क्राइब कर रही है। हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी 180, इसी प्रकार एंगल ए ओ सी सॉरी बी ओ सी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ये भी हमें 180 डिग्री का दिखाना है। ये सप्लीमेंट्री है, ये एंगल सप्लीमेंट्री। हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया, लेट दिस इज पी पॉइंट पी क्यू आर एंड एस, ज्वाइन कर दिया सबको, और ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। अब हमें ये पता है ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं, तो एंगल 1, 8 के इक्वल होगा, 2, 3 के इक्वल होगा। एक बार कर भी लेते हैं प्रूफ, देखिए इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस, ए ओ एस, ए ओ कॉमन हो गया दोनों में, कॉमन है। सिमिलरली ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, रेडियाई हैं दोनों। एंगल ए पी ओ, ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए एस ओ 90 के, क्यों, क्योंकि रेडियस जो हैं वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो बाई आर एच एस रूल, बाई आर एच एस रूल ये दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ एस, और अगर ऐसा हो गया तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 सी पी सी टी से। सिमिलरली 2 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू 7। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 हो गया। सबको ऐड कर दीजिए, एडिंग, या अगर हम सभी को इनको ऐड करते हैं, एज एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + एंगल 8 दैट इज एंगल 360। कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। नाउ एंगल 1, 2 रखे और 5, 6 रखो, क्योंकि हमने दिस प्लस दिस दिखाना, एंगल 1, 2 में और 5, 6 में रखना है। एंगल 1 एज इट इज है, 2 एज इट इज रखिए। एंगल 3 किसके इक्वल था, एंगल 3 हमारे पास किसके इक्वल आया था, 2 के।
एंगल टू, एंगल फोर किसके इक्वल था, एंगल फाइव के, फाइव को फाइव रहने दीजिए, सिक्स रहने दीजिए, सेवन, सेवन किसके इक्वल था, एंगल सिक्स, एंगल एट किसके इक्वल था, एंगल वन के। कहाँ से इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया, 360 फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से ये चीज़ होगी हमारे पास। अब ये सारे डबल डबल हो गए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। टू इधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये तो रह गया हमारा 180 डिग्री। नाउ व्हाट इज एंगल वन एंड टू, एंगल वन एंड टू दिस इज एंगल एओबी, प्लस व्हाट इज एंगल फाइव एंड सिक्स, दिस इज एंगल सीओडी, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली यू कैन प्रूव एंगल बीओसी, एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना था। हैंस प्रूव, ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 का और आपके चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।